Welcome to our YouTube channel. My name is Naveen. Today my chapter first part B और subject है accountancy. हम accountancy के class 12 के accountancy के chapter first कर रहे हैं part B का question number 5 है. देखो बच्चों हम question read करते हैं. सबसे पहले Pawn Limited invited application for 30,000 share of 10 each. Payment were to be made as follow: 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call, 2 on final call. All the share were applied. You are required to prepare journal entries. Pawn Limited ने 30,000 share क्या किए हैं? Issue किए गए हैं 10 रुपया each है. 3 रुपये application, 3 रुपये allotment, 2 रुपये first call, 2 रुपये final call. All share were applied. सभी share के लिए क्या आई application आई है. You are required to prepare जर्नल एंट्री. क्या बनानी है हमने? जर्नल एंट्री. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. देखो सॉल्यूशन, इशू शेयर कितने हैं? 30,000. एज कितना है? 10. एप्लीकेशन कितना है? 3. अलॉटमेंट कितना है? 3. फर्स्ट कॉल कितना है? 2. फाइनल कॉल कितनी है? 2. और अप्लाइड शेयर जितने के लिए एप्लीकेशन, जितने इशू किए थे उतने के लिए क्या आई कंपनी के पास? एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन कितने के लिए? पूरे 30,000 शेयर. ऑल शेयर सब्सक्राइब. अब हम जनरल एंट्री करते हैं सर. अब देखो इशू कंपनी 30,000 शेयर ही बेचने के लिए बोल रहा है, ठीक है. पब्लिक को 30,000 सेल कंपनी क्या कर रही है? सेल कर रही है, ठीक है. और 30,000 के लिए पब्लिक आई खरीदने के लिए. तो सबसे पहले किसकी एंट्री होगी? एप्लीकेशन. और एप्लीकेशन किस कौन सी एंट्री होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की. एप्लीकेशन कंपनी कितनी मनी क्या कर रही है? रिसीव कर रही है. कितने रुपये रिसीव कर रही है? एक शेयर पर 3 रुपये. कितने शेयर है? 30,000 है. एक शेयर का 3 है तो 30,000 शेयर कितने रुपये रिसीव है? 30 × 3 90,000. तो एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000 क्लियर. अब जो मैंने रिसीव ये एप्लीकेशन की उसमें क्या करेंगे? हम ट्रांसफ़र करेंगे. ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. जितने कंपनी रिसीव करती है उतने अमाउंट क्या करेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या करेगी? उसको ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट. एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या कर रही है? ट्रांसफ़र कर रही है. अब आते हैं अलॉटमेंट. अलॉटमेंट कितने रुपये? 3 रुपीज़ है. तो अलॉटमेंट की सबसे पहले ड्यू कि अलॉटमेंट कितने रुपये देने हैं? अलॉटमेंट कितने रुपये देने हैं? तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अलॉटमेंट मनी ड्यू 30,000 × 3. अलॉटमेंट कंपनी कितने रुपये मंगा रही है? 3 रुपये मंगा रही है. कितने शेयर है? 30,000. एक शेयर कितने का? 3 का. तो 30,000 × 3 90,000. अब रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. जितने कंपनी ड्यू कर रही है उतने क्या करेगी? रिसीव करेगी. तो कंप्लीट मनी क्या हो रही है? रिसीव हो रही है 90,000. अब फर्स्ट कॉल डेस्टिनेशन क्या? अलॉटमेंट मनी रिसीव. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. अब आती फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल कितने रुपये की है? 2 रुपये की. अब फर्स्ट कॉल की वैल्यू एंट्री क्या है? ड्यू की. फर्स्ट कॉल कितने रुपये देने हैं? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. फर्स्ट कॉल में कंपनी कितने रुपये मंगा रही है? 2 रुपये. कितने शेयर है? 30,000. 30 × 2 60,000. फिर रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. जितने ड्यू करे उतने क्या करेगी? रिसीव करे 60,000. अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. अब आती फाइनल कॉल. फाइनल कॉल कंपनी कितने रुपये मंगा रही? 2 रुपीज. तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. फाइनल कॉल ड्यू ऑन 30,000 शेयर एट 2 रुपये पर से. 30 × 2 60. अब रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 60,000. अमाउंट रिसीव ऑन फाइनल कॉल. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चे क्वेश्चन. सबसे पहले एंट्री किसको की? एप्लीकेशन. एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है? रिसीव करने. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30 × 3 90,000. अब एप्लीकेशन मनी क्या करने की? ट्रांसफ़र की. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट.
जितने रिसीव किया उतने क्या करेगी कंपनी, ट्रांसफ़र कर देगी। अब ड्यू की अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट कितने रुपये, तीन रुपीज़ कॉल कर रही है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 13 × 3 90 रिसीव करने बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000। अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000। अब रिसीव किया अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000। अब फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 13 × 2 60 60। अब रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60 60। अब फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 13 × 2 60 60,000। अब रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट रिसीव ऑन फाइनल कॉल 60,000 60,000। ओके थैंक्स।